नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB टेक में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 19 सितंबर को 69 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होनी थी। लखनऊ बेंच में केस लगा हुआ था कोर्ट नंबर 1 पर और डेली कॉज लिस्ट में 2 नंबर पर केस लगा हुआ, तो इस केस की सुनवाई जल्दी ही होनी थी। तो आज लगभग 10:45 पर इस केस की सुनवाई के लिए केस गया, लेकिन दोस्तों वही हुआ जैसा कि आप लोग अंदेशा लगा रहे थे। आज फिर एक नई डेट मिल गई है, कुछ भी सुनवाई आज यहाँ पर नहीं हुई है। अब ये नई डेट क्यों मिली है वो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जज साहब थे उनका कहना था कि अभी आज की सुनवाई हो पाएगी और यहाँ पर रोस्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर 2 महीने में कोर्ट में रोस्टर चेंज होता है। तो रोस्टर चेंज हो जाने की वजह से उन्होंने कहा कि इस केस की सुनवाई करने का कोई भी मतलब नहीं है, जैसे रोस्टर चेंज हो जाएगा ये पूरा केस है किसी अगली के बेंच में चला जाएगा, वहाँ पर दूसरे जज साहब होंगे, वो इसकी सुनवाई करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने आज कोई भी सुनवाई नहीं की है और ये बोला है कि रोस्टर चेंज हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं इसका, तो इस केस को अगली डेट दे दी गई है। अब ये जो केस है 25 सितंबर, इस केस की नई डेट लग गई है 25 सितंबर को ये केस पुनः सुना जाएगा। अब जो भी इसके जज होंगे, जिस भी बेंच में केस जाएगा वहाँ पर इसकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों ये आज की अपडेट है। अब आप लोग समझते हैं 69 शिक्षक भर्ती कितनी बुरी तरीके से फंस चुकी है। कभी AG साहब नहीं आते हैं, कभी AG आते हैं तो उनकी तैयारी नहीं होती है, तैयारी करने के लिए समय मांग लेते हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो एक नया मामला सामने आ जाता है। और यही मामला आज आया सामने कि सब कुछ ठीक ठाक था, आज सुनवाई होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि अब सरकार के पास कोई भी बहाना नहीं था। सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन रोस्टर चेंज हो जाने की वजह से अब इस केस की आज फिर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो जो भी 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको फिर से एक बार निराशा हाथ में लगी है। 25 सितंबर एक नई डेट दी गई है, 25 सितंबर को देखते हैं किस बेंच में केस जाता है और वहाँ के जज साहब का क्या रवैया होता है, केस को सुनते हैं कि या फिर कोई एक नई डेट मिलती है। जैसा कुछ भी होगा अपडेट आपको आने वाले इस वीडियो में लगातार दोस्तों मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।